morning, student. I hope you all are well at your home. In our today's class, we will start chapter number 2 of English grammar book, that is articles. A-R-T-I-C-L-E-S, articles. There are two types of articles are, first is definite article and second is indefinite article. Definite articles में the आता है और indefinite article में a, a, and an, ठीक है, a and an इसका use होता है, ठीक है. So use of the, let's start use of the या definite article. बात करते हैं हम कि use कैसे होता है, the का use किससे before होता है, हम कैसे कहाँ पर कौन सी जगह पर the का use करते हैं, देखते हैं. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं द की, तो द का यूज जो होगा या डेफिनेट आर्टिकल्स का जो यूज होगा वो बिफोर कोई भी स्पेसिफिक, अगर हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर या स्पेशल पर्सन की बात करते हैं, अगर हम किसी भी स्पेशल थिंग्स की बात करते हैं या किसी भी स्पेशल रिवर की बात कर रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, कोई भी सिटी हो गया, तो किसी भी अगर हम स्पेशल, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं, स्पेशल है ना, तो हम उसके बिफोर किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिवर की, जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, यहाँ पे हमने गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नेम हमने लिया है. सारी रिवर जरूरी नहीं है होली रिवर है, तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिवर का नेम बोला है गंगा, ठीक है. तो इसी तरीके से अगर हम कभी भी किसी भी स्पेशल चीज के बारे में, किसी भी ऐसे पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, चाहे वो थिंग्स हो, पर्सन हो, किसी के भी एनिमल्स हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम उससे बिफोर द का यूज करते हैं. और देख लेते हैं द का यूज किस किस के साथ होता है. बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन कोई भी पर्टिकुलर, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे, ओके. नेक्स्ट बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द आमेर फोर्ट, ये सब क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जो पहले बनी हुई है, ठीक है, किंग वगैरह ने जो बनाई है, ओके. तो वो है सब पहले जो हमारी पुरानी जो हमारी जो इंडिया में जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, हर किसी की नहीं, पुरानी बिल्डिंग्स का मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद बना रहा है, नहीं, ऐसी जो देखने लायक है और दूर दूर से उनको लोग देखने आते हैं, ठीक है, वो होती है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो किसी पर्पज से बनाई गई है. थर्ड इज बिफोर होली बुक्स एंड रिवर्स. होली बुक्स का मतलब होता है पवित्र जो हमारी बुक है, हर किसी बुक के साथ यूज नहीं होता है द का यूज. होली बुक्स मतलब गीता, कुरान, बाइबल, इनसे बिफोर द का यूज होता है. द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये सारी क्या है जो जो भी हमारे जो कंट्री में रिलीजियस है, ठीक है, जो भी हमारे रिलीजन है उनकी होली बुक्स है, ठीक है, उनसे बिफोर होता है द का यूज. इसके अलावा रिवर्स से बिफोर होता है द गंगा या द यमुना, द सरस्वती, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर अगर हम रिवर की बात करते हैं तो उससे बिफोर होता है. नेक्स्ट बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, न्यूज़पेपर का द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा और भी कोई भी स्पेशल अगर किसी का न्यूज़पेपर का नेम होगा तो उससे बिफोर किसका यूज करेंगे हम द का, ठीक है. बिफोर यूनिक थिंग्स, कोई भी यूनिक, यूनिक का मतलब है जो सबसे अलग हो, ठीक है, उससे बिफोर हम द का यूज करते हैं. बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो भी कंट्रीज का जो नेम होगा जो प्लूरल भी होना चाहिए, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, अगर हम किसी कंट्री का नेम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके हम बिफोर हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे. बिफोर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट का जो अगर हेड होगा, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, तो उससे बिफोर हम, जैसे प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, दोनों हेड होते हैं स्कूल के या किसी भी जगह के, ठीक है, इंस्टीट्यूट के, तो उससे बिफोर हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, यहाँ पे इंडिया गेट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात हो रही है, तो उससे बिफोर द का यूज किया है. द गीता, यहाँ पे होली बुक आ रही है, गीता इससे बिफोर भी, इसलिए यहाँ पे इसका यूज हुआ है द का यूज, ठीक है.
एंड थर्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर की बात हो रही है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये न्यूज़पेपर पर्टिकुलर किसी भी न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो उसके लिए द का यूज है। फोर्थ आई विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, यहाँ पे यूनाइटेड जो यूएसए है उसमें भी बहुत सारे मतलब कंट्रीज के नेम है तो इससे बिफोर द का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल डिलीवर्स द स्पीच, तो यहाँ पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है यानी इंस्टीट्यूट का किसी भी जगह का हेड होता है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे उससे बिफोर द का यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज ऑफ ए मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए, सो ए इज यूज फॉर, ए इज यूज बिफोर, ए इज यूज फॉर सिंगुलर, द सिंगुलर नाउंस, सिंगुलर नाउंस, A is used for singular noun. A is used for singular noun. किससे before होता है इसका use? Singular noun से। यहाँ पे before भी लिख सकते हैं। A is used before. Before या for singular noun with begins. With begins, किससे begins होना चाहिए? Consonant. A is used before singular noun with begins consonant. Consonant or sound like consonant. या तो इसका means ये है, A का use हम किससे पहले करते हैं? A का use हम करते हैं कोई भी अगर ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी होना चाहिए और उसका जो स्टार्टिंग लेटर यानी जो स्टार्ट हो वो कॉन्सोनेंट के साथ हो। कॉन्सोनेंट्स मीन्स ए ई आई ओ यू, इन फाइव वॉवल्स को हटाकर जो भी बाकी जो रिमेनिंग जो लेटर्स होंगे वो होते हैं कॉन्सोनेंट, तो उसके साथ वो जो भी सिंगुलर नाउन है वो स्टार्ट हो, ठीक है। इसके अलावा उसका साउंड लाइक कॉन्सोनेंट का मतलब है और उसका जो साउंड हो वो भी कॉन्सोनेंट जैसे ही हो, मतलब कॉन्सोनेंट जैसे बी है तो बी का साउंड आपको पता है बी है, जब हम बोलते कैसे बोलते हैं सी, तो जैसे कप है, ठीक है, तो उसका साउंड इस तरीके से होना चाहिए कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है। तो हम उसके साथ करते हैं अ का यूज, जैसे अ पेन, तो यहाँ पे पेन क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया और उसका जो स्टार्टिंग लेटर है जैसे यहाँ पे पेन है, पीई एन पेन है, ठीक है। पेन का स्टार्टिंग जो लेटर है, एक तो ये क्या है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर मतलब एक ही ना पेन है यहाँ पे, और इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है कॉन्सोनेंट, पी क्या है कॉन्सोनेंट, तो और इसका जो साउंड है वो भी क्या है अ है, इसका साउंड भी क्या है कॉन्सोनेंट के जैसा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट जैसा साउंड है, तो इससे बिफोर हम अ का यूज करेंगे। ऐसे ही जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे बात हो रही है जैसे यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम इससे बिफोर किसका यूज होगा, यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे यू की बात हो रही है, यू वॉवल्स है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखना है, ठीक है। बट इसके अलावा हमें साउंड भी देखना है, साउंड भी कॉन्सोनेंट वाला होना चाहिए। साउंड मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी यू का साउंड आता है तो यू का साउंड अगर आएगा तो यहाँ पे हम अ का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे यू आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे एन का यूज, नो, यहाँ पे साउंड भी इस तरीके से देखना है, तो फिर इस तरीके से यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है यूज ऑफ एन, एन का यूज हम किससे बिफोर करते हैं? बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिंस विद, एन इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद, यहाँ पे आधी तो सेम ही रहेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद, दैट बिगिंस विद, यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, दैट बिगिंस विद वॉवल्स, एन इज यूज्ड फॉर दैट सिंगुलर नाउन विद बिगिंस, विद बिगिंस दैट, विद बिगिंस कॉन्सोनेंट की जगह क्या आ जाएगा वॉवल्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट की जगह क्या आ जाएगा वॉवल्स, और साउंड लाइक वॉवल्स, जिसका जो स्टार्टिंग क्या हो जो सिंगुलर नाउन वॉवल्स से स्टार्ट हो और उसका साउंड भी वॉवल्स लाइक हो, ठीक है, जैसे अ का साउंड, आ का साउंड, ई का साउंड, इस तरीके से, या
जैसे फॉर द एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल अ का साउंड आ रहा है तो इससे बिफोर एन होगा, वर्ड भी लेटर भी होना चाहिए और इसके अलावा साउंड भी होना चाहिए. एन ऑनेस्ट, जैसे यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट आवर, इससे बिफोर किसका यूज होगा? जैसे आपने देखा एच यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है एच, तो ये तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट हुआ, लेकिन कॉन्सोनेंट देखने के साथ आपको साउंड भी देखना है. अगर हम इसको अगर रीड करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ऑनेस्ट. एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट तो ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ का साउंड आ रहा है मतलब वॉवल्स का साउंड आ रहा है, ठीक है. कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता तो हम अ का यूज करते हैं. अगर हमारा वॉवल्स का साउंड आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है. कॉन्सोनेंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? वॉवल्स का आ रहा है, तो हम साउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है. यहाँ पे भी ये है अवर, इसको हम रीड करेंगे हवर, नहीं रीड करेंगे अवर, तो इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, इट्स मीन वॉवल्स का साउंड आ रहा है. तो यहाँ पे वॉवल्स के साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ अ का यूज करते हैं. वॉवल्स का साउंड होगा अ, आ, ई में से अगर आपको कोई भी साउंड इस तरीके से आता है तो आप किसका यूज करेंगे? एन का यूज, बाकी के साथ अ का यूज. सो आई होप यू ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड दिस टॉपिक. डू क्वेश्चन नंबर ए इन योर कॉपी. थैंक यू.